ओके देन, सो सी द फर्स्ट वन, दिस वन, इसमें वी ए आई दिया हुआ 2 एम्पियर, तो ये ऐसे जाएंगे, राइट करेक्ट. तो वी ए माइनस आई आर, माइनस आई आर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो कर रहे हैं. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज माई डायरेक्शन, तो फॉलो करने से 2 × 5 विच इज माइनस आई आर, माइनस आई इज 2, आर इज 5. नाउ हाई टू लो प्लस पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट नीचे आ रहे हैं, तो वी हैव माइनस 10 वोल्ट. ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वी आर फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट दैट्स वाई इज माइनस 10, बिल्कुल नहीं. वी आर फॉलोइंग द प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, सो हाई प्लेट टू लो प्लेट माइनस करंट इसके लिए. नाउ माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, सो वी ए माइनस 10 माइनस 10 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, सो वी ए माइनस 20 माइनस वी बी इक्वल्स 0, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20. डन, क्लियर. ओके, सो वी ए माइनस वी सी, सो वी ए माइनस वी सी इज दिस वे, करेक्ट. तो वी ए माइनस वी सी अगर निकालना है तो वी विल हैव इट, तो क्या लिखेंगे बोल, वी ए नाउ करंट को फॉलो कर रहे हो, आगे जा रहे हो, तो माइनस 2 आई आर, माइनस आई इज 4 एम्पियर एंड दिस इज 2, सो 4 × 2, फिर प्लस से माइनस आए हो, तो माइनस 2, देन वंस अगेन प्लस 2 माइनस, माइनस 6, देन अगेन ओह, देन वन थिंग इज दैट वी हैव, वी आर मिसिंग इज 4 2, हाउ मच इज द करंट हियर, 6 एम्पियर, है ना, दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जॉइंट हो जाएगा करंट, राइट, 4 2, 6 हुआ, 6 नीचे आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना, टोटल करंट एट द नोड इज मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब ये हुआ, अब तुम नीचे आ रहे हो, हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो इसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो माइनस 6 तो इसका लिख दिया, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में आए, ऊपर से नीचे, तो माइनस ले लिया. अब इसका क्या करना पड़ेगा हमें, फॉलो कर रहे हो करंट को, राइट, करंट भी नीचे है और हम भी नीचे हैं, तो माइनस आई आर, आई कितना 6 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस कितना 4 एम्पियर, लास्ट में ये पॉइंट बचा, वी सी इज इक्वल टू 0. क्लियर ऑल ऑफ यू, सो देयरफॉर वी ए माइनस आई आर, प्लस से माइनस, माइनस 2, प्लस से माइनस, माइनस 6, फॉलो द करेंट, आई ए माइनस आई आर, माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, सो वी सी माइनस 8, माइनस 2, माइनस 6, माइनस 24, माइनस वी सी इज इक्वल टू 0. हाउ मच इज दैट ऑल टुगेदर, 40 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
ये भी फॉलो करोगे अगर, तो ऐसे फॉलो करेंगे राइट, रेड लाइन को फॉलो करना है। तो वी ए भी करोगे तो क्या होगा, वी ए करेक्ट ना, वी ए करंट को फॉलो किया माइनस 4 इंटू 2 माइनस आई आर, फिर से हाई टू लो गए हो माइनस 2। नाउ अब इधर आ जाओ, करंट पीछे आ रहा है और हम लोग आगे जा रहे हैं, देखो कितना हो जाएगा प्लस, करंट पीछे आ रहा है और हम लोग किधर जा रहे हैं राइट साइड में, तो अपोजिट हो गया ना। तो मैंने क्या बोला, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, प्लस आई आर। तो आई कितना है, आई कितना है इसमें देख, 2 एम्पियर इंटू कितना हो गया 4 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। ये वी बी हमेशा माइनस ही होगा बिकॉज लास्ट में वो माइनस कर रहे हैं हम लोग राइट, प्लस नहीं कर सकते। तो वी ए माइनस 8 माइनस 2 प्लस 8 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, कैंसिल 8 एंड 8, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2। डन, अगेन देन द नेक्स्ट वन हियर, सी सी टू बी करेक्ट ना, यही था ना सी टू बी, ऐसे सी टू बी ले रहे हैं ठीक है। तो सी टू बी क्या लेंगे, सी टू बी क्या लेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे वी सी से करेक्ट, क्या लेंगे आप बोल, करंट नीचे की ओर, हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो प्लस
कितना है आई आर, आई कितना है 6 एम्पियर, और आर कितना हो गया 4 एम्पियर, 6 × 4 करेक्ट। अब देख तुम नीचे आ रहे हो ना, तुम्हारा करंट नीचे या ऊपर उससे मैटर ही नहीं करेगा, प्लेट्स देख हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो कैसे प्लेट्स क्रॉस कर रहे हैं, पहले माइनस मिल रहा है बाद में प्लस मिल रहा है, तो प्लस 6 डन। अब यहां पहुंचे कुछ भी नहीं है, अब देख राइट साइड में फिर तुम क्या हो रहा है, करंट पीछे आ रहा है और हम आगे जा रहे हैं, क्या लिखेंगे प्लस प्लस आई आर 4 × 2, बट लास्ट में वी बी इज इक्वल टू 0, तो वी सी प्लस 24 प्लस 6 प्लस 8 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 कितना होगा माइनस 38, तो हाउ मच इज वी बी माइनस वी सी 38। फिर देखिए यहाँ पे, तो इसमें VAC चाहिए, मतलब VAC मतलब ये लूप लिखना पड़ेगा हमें, VBD ठीक है, पहले एक कर लेते। तो यहां पे सब लोग देखो यहां पे ध्यान से कि जहां जहां मिसिंग है पहले उसको फिल कर लिया जाए, इस नोट पे 4 में तू नीचे आ गया ऐसे ना, इधर 4 आ रहा है इसमें से, इधर कितना गया 2, तो इधर क्या हुआ 2 गया इधर पक्का, सो 2 एम्पियर विल बी ऑन दिस साइड करेक्ट ना, नाउ 2 इज दिस आर डाउन, अब 2 में क्या हुआ 1 गया इस तरफ, तो अल्टीमेटली क्या बचता है फिर बाद में 1 एम्पियर बचता है, तो ये भी क्या हो गया 1 एम्पियर करेक्ट डन। ऐसा हम लोगों ने करंट को डिवाइड कर लिया। नाउ अब इसके बाद इक्वेशन चाहिए हमें, तो इक्वेशन VAC चाहिए ना करेक्ट, तो VAC कैसा होगा वो देख, तो स्टार्ट करेंगे VA, यहां से स्टार्ट किया, करंट को फॉलो कर रहे हो क्या लिखेंगे माइनस 2 × 4, नीचे आया जी प्लस से माइनस गया माइनस 2, बिकॉज करंट का मैटर नहीं करता इसमें, व्हाट मैटर्स इज द प्लेट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वन सेकेंड हियर कुछ भी नहीं है, अब पीछे आ जा क्या होगा यहां सीधा जाएंगे तो माइनस 2 प्लस प्लस 4 माइनस VC इक्वल टू 0 करेक्ट, ओनली 1 रेजिस्टेंस मिला और 2 बैटरी मिला राइट, बैटरी का पोलैरिटी और रेजिस्टेंस का डायरेक्शन, तो VA माइनस 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस VC इक्वल टू 0, हाउ मच इज VA माइनस VC इन दैट केस 8 प्लस 2 10 माइनस 10 प्लस 4 6 आ जाएगा करेक्ट ना। अब आगे फिर नेक्स्ट VBD किधर है, यस VBD ऐसा आना पड़ेगा करेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम VB से नाउ माइनस है प्लस है, तो माइनस से प्लस आएंगे क्या मिलेगा हमको प्लस 2 मिलेगा पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, देन डाउन हियर वी हैव प्लस टू माइनस माइनस 2 वोल्ट, देन कम डाउन नथिंग, देन राइट साइड ओनली 1 रेजिस्टेंस फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ही आ रहे हैं ऐसे ही करंट है, तो माइनस आई आर माइनस 1 × 4 माइनस VD इक्वल्स टू 0, तो VB कैंसिल या माइनस 4 माइनस VD इक्वल टू 0, सो VB माइनस VD इक्वल्स टू 4 ये हो गया डन। अगेन देन वी हैव द थर्ड वन हियर AD, तो ए से डी मतलब दूसरे कलर से रिजेंबल करते हैं, A to D कैसे होगा, A to D विल बी दिस वे इधर और ऐसा करेक्ट ना करेक्ट VAD, देयरफॉर VA फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन, करंट को फॉलो कर रहे हो तो माइनस 4 × 2 नीचे आ रहे हो, कुछ भी नहीं है जस्ट एक बैटरी है, तो प्लस है माइनस है, तो माइनस प्लस से माइनस बैटरी प्लस से माइनस नो डायरेक्शन माइनस 2 ना कुछ भी नहीं मिला, यहां से अब केवल वन बैटरी है, एंड फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन विद द रेड लाइन फॉलो हो रहा है, तो क्या हो रहा है डायरेक्शन फॉलो माइनस 4 × 1 माइनस VD 0, तो VA माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनus VD इक्वल टू 0, तो VA माइनस ऑल टुगेदर कितना हुआ 14 माइनस VD इक्वल टू 0, VA माइनस VD इज इक्वल टू 14, That's answer. ठीक है? Yes, sir.